रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने जुमान में रखे, खुशोगरम आबाद रखे। आज मैंने आपके साथ बहुत मज़े की रवायती सी मीठी सेवैयों की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चल के देखें, और ज़रूरी नहीं है कोई मौका हो, ऐसे भी खुशी से घर में मीठा बनाएं, घर वालों को खिलाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, और हो तो मेहमानों को भी बुला लीजिए या फिर किसी के घर भेज दीजिए। रवायतों को कायम रखिए। चलिए देखते हैं कि रेसिपी कैसे बनी है। यहाँ पे है मेरे पास एक पैकेट सेवैयों का। ये पूरा एक पैकेट है जिसको मैंने इससे तोड़ लिया है, इसके अंदर ही इसको छोटा कर लिया है। इसका तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर इस तरह से सेवैयाँ जो हैं वो उड़ती बहुत है, पकाते हुए बहुत लंबी लंबी होती हैं। और ये इलायची है, 5-6 दाने हैं, जिसको मैंने तोड़ लिया है। इस तरह तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे फिर फ्लेवर ज़्यादा अच्छे तरीके से निकलता है। ठीक है, तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, और अपनी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी है। देसी घी ना हो तो डालडा घी कर लें, लेकिन बनाइए इसको घी में ही बनाइए। ठीक है, और साथ में ये जो इलायचियाँ थी ये भी डाल दी। मेहमानों का क्यों इंतज़ार करें, या ईद का ही क्यों इंतज़ार करें, क्यों ना अपना रवायती मीठा जब दिल चाहे बना के खाएँ। मेहमान आए उनको भी खिलाएं, ज़रूर खिलाएं, लेकिन घर में वैसे भी मीठा कभी कभी बना लेना चाहिए, अच्छा लगता है। तो जैसे ही घी गर्म हो, ये इलायचियाँ देखिए कड़कड़ानी शुरू हो गई हैं, तो साथ ही इसमें मैं ये डाल दूँगी, पूरा पैकेट एक सेवैयों का। तो इसको भूनूंगी अब थोड़ा कलर चेंज होने तक। ये देखिए सेवैयों का कलर चेंज हो चुका है, और अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, क्योंकि इसमें मैंने दूध डालना है, और दूध है उबला हुआ, इसको मैंने अभी बॉयल किया है, फ्रेश मिल्क है ये। आप चाहे तो डिब्बे वाला भी डाल सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसकी आंच बंद कर दी है, ये ना हो कि दूध एकदम से उबल के तो ऊपर आ जाए। ये 1 किलो के करीब दूध है। यहाँ पे चूल्हा फिर ऑन करते हैं, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, और साथ में इसमें मैं अब डालने लगी हूँ चीनी, हसबे जायका, आपने जितना आपको पसंद है, तकरीबन इसमें 1/2 कप के करीब जाएगी। आंच में हल्की कर देती हूँ ताकि ये ज़्यादा उबले नहीं। तो 1/2 कप के करीब आप इसमें शुगर डाल दें, या फिर हसबे जायका, जितनी आपको पसंद है। मैंने इसमें 6 टेबलस्पून, मेरे जो घर के इस्तेमाल के 6 टेबलस्पून हैं, ये मैंने डाली है। तो या फिर आप, वही बात है कि आप हसबे जायका डालें। और अब इसको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी क्रीम पड़ी हुई है, ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये ऑप्शनल है तो डाल दे, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो ये मैं इसमें डाल लगी हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है, पड़ी हुई थी तो मैंने कहा ये इसके अंदर डाल दें और मिक्स कर दें। और मीठा बिल्कुल सही है, अगर आप नॉर्मल खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो और डाल लें, कम खाते हैं तो कम कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए सेवैयों की खीर गाढ़ी हो गई है। चूल्हा बंद करने से पहले 1-2 ड्रॉप इसमें क्योर एसेंस का डालने लगी हूँ। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा क्योर एसेंस है ये मेरे पास। ठीक है, क्योरा वाटर हो तो वो थोड़ा ज़्यादा डलता है, और क्योरा एसेंस है तो वो थोड़ा कम डलता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं पसंद तो स्किप कर दें। इलायचियाँ हैं इसमें खुशबू के लिए। तो चलिए बस चूल्हा बंद करके साथ ही इसमें इसी में थोड़ी सी किशमिश डाल देती हूँ, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। किशमिश जितनी आपको पसंद है उतनी डाल दीजिए, इसमें मैं डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, गरमाइश से ये सॉफ्ट हो जाएंगी, और इसका चूल्हा बंद कर देती हैं। यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है एक, अब इसमें मैं सेवैयाँ डाल दी हूँ। ये बहुत ज़्यादा दूध वाली नहीं है, ठीक है, ये खीर टाइप ऐसे गाढ़ी गाढ़ी सी है। अगर आपने पतला करना है तो दूध जो है वो 1.5 किलो कर लें। देखिए कितने मज़े की ये लग रही है। यहाँ पे मेरे पास बादाम है, बादाम इसके ऊपर डालूंगी, और साथ में मेरे पास है खजूरें, खजूरें मैंने काट ली हैं। छुआरों की जगह आप खजूरें भी
इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। खजूर से बहुत मज़े की लगती है ये, इसका टेक्सचर बहुत मज़े का आता है, कभी ट्राई करके देखिएगा। मैं अक्सर खजूर डालती हूँ। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये सिंपल सी और मज़ेदार सी क्रीमी सी सेवैयां? उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक मीठी मीठी सी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।